पोयम का नाम है कुदरत की सीख। कुदरत की सीख है, कुदरत की है सीख निराली, भरती अंतर में उजियाली, हरियाली कहती है ये हमको, मेरी तरह खुशी से दमको। सूरज चांद सितारे तारे दमक रहे है खुशियाँ धारे, धरती कहती धीर बनो तुम, सागर से गंभीर बनो तुम, धरती के आकाश बनो तुम, जन जन के विश्वास बनो तुम, फूलों से नीत प्रति मुस्कुराओ, नहीं मलिनता मुख पर लाओ, पर्वत सदा अधिक ये रहते, अधिक रहो ये हमसे कहते, नदियां आगे बढ़ती जाती, बढ़ने का संदेश सुनाती, सूरज से तुम तपो तपाओ, जीवन में समरसता लाओ, वृक्षों का उपकार करो तुम, जन जन की बस पीर हरो तुम, जीवन अपना सदा गरो तुम, स्वालंबन का पाठ पढ़ो तुम, पवन वेग से बढ़ते जाओ, ऊंचाई पर चढ़ते जाओ। कवि है योगेंद्र सिंह भाटी। तो इस कविता में जो कविता का नाम है कुदरत की सीख, कुदरत यानी प्रकृति, प्रकृति से जो हमें सीख मिलती है उसके बारे में ही यहाँ पे पूरा कविता में कवि ने दिया है। तो अभी हम लोग स्टैंजा वाइज हम देखेंगे कि कवि यहाँ पे कौन कौन से प्रकृति के कौन कौन से चीज़ उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, तो कवि ने कुछ किस के बारे में यहाँ पे दिया है उसको हम लोग अभी डिटेल्स में जानेंगे। तो कुदरत की है सीख निराली, भरती अंतर में उजियाली। कुदरत जो हमें सीख देती है ये हमारे मन को उजिया क्या करते हैं, उजियारा मतलब उजाला देते हैं। उसके बाद हरियाली कहती है हमको कि मेरी तरह खुशी से दमको। हरियाली क्या कह रही है कि जैसे हरियाली चमकते हैं तो उसी तरह हमको भी चमकना चाहिए। सूरज चांद सितारे दमक रहे हैं खुशियाँ धारे, ये सब जो है अपना चमकीला जो है हमें दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप सूरज को देख लो, ये भी बहुत चमकता है, रोशनी देता है। और उसके बाद चांद, वो भी रात को चमकती है बहुत। उसके बाद सितारे तो और भी चमकीला होता है। तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि इनसे हमें जो चमकना है, जो जीवन में जो हमें जीने के लिए जो चमक चाहिए वो हमारे चेहरे पर हमेशा रहना चाहिए। धरती कहती है धीर बनो तुम, धरती से हमें क्या सीख मिलती है, धरती हमें धीरज रखने वाला बनने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, सागर से भी गंभीर बनने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि फूलों से हमें क्या सीख मिलता है, जैसे फूल खिलते हैं तो फूलों के खिलने से क्या होता है कि खिलने से आप जब फूल खिला हुआ देखते हो तो आपको खुशी मिलती है। तो इसलिए हमेशा जैसे फूल खिलते रहते हैं उसी तरह हमें भी हमारे चेहरे पर मुस्कान हमेशा लानी चाहिए। उसके बाद पर्वत से हमें क्या सीख मिल रही है, पर्वत अधिक रहता है, स्थिर रहता है, एक जगह पर टिके रहते हैं। तो उसी तरह हमें भी जीवन में एक जगह पर ही टिके रहना चाहिए, कभी भी एक जगह से हमको हिलना नहीं चाहिए। अगर तुमने एक चीज़ की अपने जीवन में की सोचा कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी है, या क्लास में आपको फर्स्ट पोजीशन में आना है, तो उस पर आपको फोकस रखना है कि हाँ मुझे बनना है तो बनना ही है। तो इसलिए आपको जो करना पड़े आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे कि नदियाँ जो है, नदियाँ हमें आगे बढ़ने की यहाँ पे सिखाते हैं, हमेशा आगे बढ़ते जाना। जैसे नदियाँ बहती है, चलती जाती है, उसी तरह हमें भी जीवन में चलते जाना है। सूरज से तपो तपाओ, सूरज हमें कभी अपने प्रकाश से तपाता है और कभी हमको उसकी जो रोशनी है अच्छा भी लगता है। जैसे गर्मी के मौसम में ये हम सह नहीं पाते गर्मी, बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं, या अगर तुम ठंडी के मौसम में देखो तो सूरज का जो रोशनी है वो आपको अच्छा बनाता है, मतलब आप अच्छा महसूस करते हो जब उसका प्रकाश आपके शरीर में गिरता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जिंदगी में गर्मी या ठंडी ये दोनों होंगे तो उसको आपको बैलेंस में रख के जाना है जीवन को, ठीक है। और वृक्षों का उपकार हमें करना चाहिए, कैसे वृक्षों को हमें लगाना चाहिए और जंगलों को हमें बचाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तुम वृक्ष को बचाते हो तो उससे तुमको अच्छा हवा मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। अगर वो उसको तुम नहीं बचाते हो क्या होगा, तो एक दिन ये संसार जो है बंजर बन जाएंगे, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं खिलेगा, पानी नहीं रहेगा, अच्छा हवा नहीं मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलने में मुश्किल होगा, तो सब वायु जो है वायुमंडल वो दूषित हो सकता है। तो इसलिए हमें
हमेशा ये याद रखना कि हमको वृक्षों को बचाना है। और उसी तरह पवन वेग से हमें क्या सीख मिल रही है कि पवन जैसे ऊंचाई तक छूते हैं, उसी तरह हमको भी जीवन में हमारी जितने हम कर सकते हैं, ठीक है, हमारी टैलेंट को सोचो, टैलेंट से हम बहुत ऊंचाई को छू सकते हैं, अपने परिश्रम से भी हम ऊंचाई को छू सकते हैं। तो इसीलिए हमें जीवन में रुकना नहीं चाहिए। कवि यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जीवन में हमको स्थिरता जहाँ पे रखना है वहाँ पे रखना चाहिए, जहाँ पे आपको चमकना चाहिए, जहाँ पे आपको खुशी बांटना चाहिए, जहाँ पे आपको ऊंचाई को छूना चाहिए, ये सब जीवन का एक पार्ट है। तो उसको आपको उसको जीना है अच्छे से, ठीक है। तो कभी भी जीवन में एक जगह पर बैठे हुए नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। यही जीवन का सीख है, यही प्रकृति का सीख है। तो यहाँ पे आपको अभी हम लोग एक्सरसाइज पे देखेंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया है मैंने, पोएम 10 लाइन है, और यहाँ पे पूरा क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दिया है मैंने, और भाषा बोर्ड से ये तो मुखी का क्वेश्चन मैं कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। हरियाली हमसे क्या कहती है? हरियाली हमसे कहती है कि तुम मेरी तरह दम को। धरती हमें क्या शिक्षा देती है? धरती हमें धीरज रखने की शिक्षा देती है। फिर सागर स्वभाव से कैसा होता है? गंभीर होता है। फिर अधिक कौन रहता है? पर्वत अधिक रहता है। और यहाँ पे भाषा बोध से यहाँ पे पर्यायवाची है 2 नंबर का। फूल कुसुम सुमन वृक्ष तरु पेड़ पर्वत गिरी पहाड़ पवन हवा धरती धरा, इस तरह से यहाँ पे आपको सब कुछ मैंने दे दिया है, आपको लिख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। तो जो मैंने यहाँ पे वीडियो में जो भी यहाँ पे लिखाया है उसी पर आपकी एग्ज़ाम का तैयारी भी होगा, एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लिए। तो आपको यही से पढ़ना है, जितने भी दिया गया है आपको इसी को पढ़ना है, बाकी आपको इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तो तब तक आप लोग अच्छे रहेगा घर में, ठीक है।